हेलो, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सेंड्रा एडवांस एजुकेशन। टुडे वी विल लर्न एक्सरसाइज नंबर 1.4। और एक्सरसाइज 1.4 में आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं। आज हम सीखेंगे नियरेस्ट 10 कैसे फाइंड करते हैं, नियरेस्ट 100 कैसे फाइंड करते हैं, नियरेस्ट 1000 कैसे फाइंड करते हैं, उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर ए है, एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग सम ऑफ द नियरेस्ट 10। नियरेस्ट 10 का हमें सम फाइंड करना है। तो नियरेस्ट 10 का मतलब क्या है, देखो फर्स्ट नंबर का होता है हमारा वंस और फिर टेंस, ऐसे वंस टेंस वंस टेंस वंस टेंस हंड्रेड, इस तरीके से हमें टेंस तक ही जाना है बस। नियरेस्ट 10 का मतलब है कहाँ तक जाना है, सिर्फ टेंस तक, वंस टेंस। अब हमें देखना है 43। देखिए जब भी लास्ट वाला नंबर हमारा 5 या 5 से बड़ा होगा तो हमारा आंसर जो है आगे वाला होगा वरना पीछे वाला। अब आगे पीछे से क्या मतलब है, जैसे हमारा 43 है, 43 या तो 43 40 और 50 के बीच में आता है, ये 40 और 50 के बीच में तो आता है 43। अब हमें क्या करना पड़ेगा, लास्ट में 3 आ रहा है और 3 हमारा ये 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा हो सॉरी 3 हमारा 5 से छोटा है, 5 से छोटा होगा तो 40 हो जाएगा आंसर, 5 से बड़ा होते हैं 5 होता तो 50 आंसर हो जाता। ऐसे ही जैसे 68 है, लास्ट में 8 है और 68 किस किसके बीच में आएगा, 60 के और 70 के, 60 के और 70 के। अब 60 के और 70 के बीच में तो आएगा, अब हम लेंगे क्या 60 या 70। अब कैसे पता करेंगे, लास्ट वाला नंबर अगर 5 या 5 से बड़ा है तो आगे वाला वरना पीछे वाला। अब ये 85 से बड़ा है तो 70 है, 70 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही 54, लास्ट वाला नंबर 5 से छोटा है तो हम क्या करेंगे, पीछे वाला 54 आता है हमारा 50 और 60 के बीच में तो हम इसका क्या ले लेंगे 50। तो हमारा क्या हो गया, एक तो 40, एक 50 और एक 70। हम इन सब को ऐड करेंगे ना कि 43 68 और 54 को। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। जैसे 43 का हमारा क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 68 का क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा और 54 का क्या हो जाएगा, हमारा 50 हो जाएगा। इन सबको ऐड कर लेंगे, 40 और 70 110 और 50 160 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन 156, लास्ट के वंस टेंस, हमें बस इन दोनों से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है, वन तो वन हमारा आना ही आना है। अब ये 56, अब लास्ट में 6 आ रहा है तो मतलब 5 से तो बड़ा है, 50 और 60 के बीच में आएगा और 5 से बड़ा है तो हम क्या लेंगे 60 वाला, तो 160 आ गया। प्लस 53 जो है लास्ट में 3 है, 5 से छोटा है तो हम कौन सा लेंगे 50 भी, 53 50 और 60 के बीच में आएगा और हम छोटा वाला लेंगे, छोटा वाला क्या हो गया 50 और 2 हमारा है तो 250। प्लस ऐसे ही 79 लास्ट में 9 आ रहा है, 95 से बड़ा होता है और 79 70 और 80 के बीच में आता है तो हम बड़ा वाला लेंगे क्योंकि 9 बड़ा है तो 80 वाला ले लेंगे, 380। और जब हम इन तीनों को ऐड कर लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 790। तो इसी तरीके से हमें इसके सारे पार्ट करने हैं क्वेश्चन नंबर ए के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग सम टू द नियरेस्ट 100। अब केवल नियरेस्ट 100 बताना है, देखिए वंस टेंस और 100, ये जो आगे बना रहा है इस समय अभी कोई मतलब नहीं फिलहाल। तो अब क्या करेंगे, ये है लास्ट के नियरेस्ट 100 में लास्ट के टू डिजिट्स को देख लेंगे, 63 50 से बड़ी है। अब ये आएगा कहाँ पे भाई, 863 जो है 800 और 900 के बीच में आता है, 800 के और 900 के, हमारा 63 50 से बड़ा होगा, 50 से बड़ा होगा तो हम 900 वाला लेंगे, 50 से छोटा होता तो 800 ले लेते, तो इसका तो आ गया हमारा 900 और 1 तो आ गया है ही, तो पहली बार में तो ले लेंगे हम 1900। ऐसे ही इसमें देखते हैं, अब ये 2 तो हमारा आएगा ही आएगा। अब ये जो है 46 50 से छोटा है, जब 50 से छोटा है तो अभी किस किस के बीच में आएगा 46 हमारा, ये तो आएगा या तो 2000 या फिर अब ये हमारा या तो 0 और 100 के बीच में ही आएगा, 0 के और 100 के बीच में। अब 46 जब छोटा है तो हम कौन सा वाला लेंगे, 0 वाला, 2 तो आएगा ही आएगा और 3 टाइम्स यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, तो 2000 और 1900 को हम ऐड कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखते हैं कैसे, इसका तो अभी हमने देखा था
1900 इसका 2000, 2000 और 1900 को ऐड करेंगे 1900 को तो हमारा आंसर आएगा 3900। ऐसे ही इसका पार्ट थर्ड देख लेते हैं। सेकंड बिल्कुल सेम इसी की तरह ही है। इसमें क्या है, 1100 920 है, 920 900 और 1000 के बीच में आएगा। अब लास्ट के टू डेट देखेंगे 20, 50 से छोटी है तो हम 900 वाला ले लेंगे। ऐसे ही 386 300 और 400 के बीच में आएगा। 86 50 से बड़ा है तो हमने ज़्यादा वाला ले लिया 400 वाला। 156 जो है 100 और 200 के बीच में आएगा। और लास्ट के टू नंबर 56 हमारा बड़ा है 50 से तो हम क्या करेंगे 200 वाला ले लेंगे। इन तीनों को ऐड कर लेंगे 900 400 200, इन सबको ऐड करके आ जाएगा हमारा 1500। और ये हमारा आंसर। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर बी को भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सी, एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग सम ऑफ द नियरेस्ट 1000। इस बार नियरेस्ट 1000 काउंट करेंगे हम। इसमें 1, 10, 100, 1000। अब 3167 3000 और 4000 के बीच में आएगा। 3000 और 4000 के बीच में। अब हम इसमें क्या चेक करेंगे कि लास्ट के जो थ्री नंबर्स आ रहे हैं वो 500 से बड़े हैं या छोटे हैं। लास्ट में आ रहा है 167 और 167 500 से छोटा होता है तो हम छोटा वाला नंबर लेंगे 3000 वाला। ऐसे ही प्लस लास्ट के थ्री नंबर्स हमारे हो गए 856 4856 हमारा 4000 और 5000 के बीच में आएगा। 4 से 5000 के बीच में आएगा। तो अब क्या करेंगे, ये 856 500 से बड़ा है तो हम 5000 वाला ले लेंगे। 5000 और 3000 को ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 8000। इसी की तरह देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी का। इसमें दे रखा है 5169। अब ये जो है 5000 और 6000 के बीच में आएगा। 5000 और 6000 के बीच में। लास्ट में हम देखेंगे कि थ्री नंबर्स जो है 169 ये 500 से बड़े हैं या छोटे हैं। ये 500 से छोटे हैं तो हम 5000 वाला ले लेंगे। प्लस 9826 ये हमारा 9000 और 10000 के बीच में आएगा। तब क्या करेंगे, 500 से बड़े हैं, जब 500 से बड़े तो हम ज़्यादा वाला लेंगे 10000 वाला। तो 10000 और 5000 इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 15000 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी में क्या है, एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंस टू द नियरेस्ट 10। जैसे हम ऐड कर रहे थे इस बार हमें माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है बस। बिल्कुल नियरेस्ट 10 वाला जैसे हमने किया था बिल्कुल सेम है। 254 नियरेस्ट 10 में हम लास्ट के टू नंबर से देखते हैं बस। 54 में देखेंगे लास्ट वाला जो नंबर है वो 5 से बड़ा है या छोटा है। अब ये जो 4 जो है ये 5 से छोटा है और 54 हमारा 50 और 60 के बीच में आएगा। 50 के और 60 के बीच में। जब हमारा ये 4 5 से छोटा है तो हम कम वाला लेंगे 50 वाला। तो 250 माइनस 138 लास्ट में 8 आ रहा है जो हमारा 5 से बड़ा होता है। तो 138 लास्ट के टू नंबर से देखने में तो 30 और 40 के बीच में आएगा। और 8 हमारा बड़ा है तो हम कौन सा वाला ले लेंगे, 40 वाला। तो 140। अब 250 में से 140 का माइनस करेंगे, 110 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं, नियरेस्ट 10 वाला ही है ये। अब नियरेस्ट 10 है तो हमें बस लास्ट के टू नंबर टू डेज से मतलब है बस, बाकी हमें कुछ नहीं देखना। अब ये 68 है, 68 या तो 60 और 70 के बीच में ही आएगा। अब 68 ये लास्ट वाला नंबर जो है 85 से बड़ा है तो हम ज़्यादा वाला लेंगे 70 वाला। तो 1370 माइनस, अब लास्ट के टू नंबर है 12 जो है 10 और 20 के ही बीच में आएगा। अब क्या करेंगे, लास्ट में 2 हमारा जो है 5 से छोटा है तो हम लेंगे 10 वाला 410। इन 1370 में से 410 को हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 960। इसी तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर ई, क्वेश्चन नंबर ई में क्या है, एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंस टू द नियरेस्ट 100। डिफरेंस निकालना है नियरेस्ट 100 में। नियर 100 में क्या करते हैं, हम लास्ट के थ्री नंबर्स देखते हैं। लास्ट के थ्री नंबर देखेंगे हम ये वाले 918, ये या तो 900 और 1000 के बीच में ही आएगा। 900 से
1000 के बीच में। अब हम क्या करेंगे, 100 वाले में लास्ट के टू डिजिट देखते हैं, 1850 से छोटा है तो हम छोटा वाला लेंगे, 900 आ गया इसका माइनस। अब ऐसे ही 178, 100 और 200 के बीच में आता है। अब लास्ट में आ रहा है 78, 78 50 से बड़ा होता है तो हम लेंगे 200 वाला, तो यहाँ पे आ गया 200। 900 में से 200 को माइनस करेंगे, 700 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं इसका सेकंड, नियरेस्ट 100 में जाना है, इस 7 से कोई मतलब नहीं है, 1, 10, 100 बस यहीं तक जाना है, इन 3 डिजिट्स को ही चेंज करना है बस। कैसे करेंगे फिर से, 183 ये 100 और 200 के बीच में आएगा, हंड्रेड के और 200 के बीच में। अब क्या करेंगे, 83 हमारा जो है बड़ा है 50 से, तो क्या करेंगे 200 वाला ले लेंगे, तो 7200 200 वाला आ गया माइनस। अब ऐसे ही 163 जो है 100 और 200 के बीच में ही आएगा, लास्ट में क्या आ रहा है हमारा 63, 50 से बड़ा है, 50 से बड़ा है तो हम कौन सा वाला लेंगे, ज़्यादा वाला 200 वाला, तो 4200, 7200 में से 4200 माइनस करेंगे, हमारा 3000 इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसी तरीके से हमें सारे क्वेश्चंस को सोल्व करने हैं, एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। बाकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं, न्यूमरल 2405 हम ऐसे लिखते हैं, तो इसका आंसर ये हो गया, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ फोर डिजिट, फोर डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बड़े से बड़ा, तो बड़े से बड़ा नंबर जो आता है उसमें हम 9 लगाते हैं, और फोर डिजिट का कह रहे हैं तो 4 times 9 बनाना चाहिए, 9999 ये वाला हमारा इसका आंसर आ गया। प्लेस वैल्यू बतानी है 5 की, तो 5 का 5, 5 के आगे 1 and 2 नंबर्स आ रहे, तो 2 zeros 1 and 2, तो 500 हमारा इसका आंसर। सक्सीजर मतलब एक ज़्यादा, 4999 में 1 ऐड कर लेंगे, सक्सीजर में 1 ऐड कर लेते हैं, और 1 ऐड करते हैं हमारा आंसर आ जाएगा 5000, तो इसका आंसर हो गया 5000। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हमारे कंप्लीट। इसी के साथ एक्सरसाइज नंबर 1.4 हमारी कंप्लीट हो गई है। किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।